बैलेंस अच्छा है हमारी टीम का। आई फेल्ट के युजवेंद्र चहल को होना चाहिए साइड में, बिकॉज इंडिया में खेल रहे हैं तो कई बार बॉल स्पिन होता है, पर अदरवाइज आई थिंक इट्स गुड बैलेंस। अश्विन का कल सरप्राइज पैकेज आया, वापस आया अश्विन, तो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा टीम के लिए कि अश्विन को कल डाला गया टीम में? या थोड़ा सरप्राइजिंग था। आई फेल्ट के एज आई सेड के युजवेंद्र चहल वुड हैव बीन बेटर चॉइस, बिकॉज लेग स्पिनर इज समवन जो आपको मैचेस जिता सकता है, और आई थॉट कि शायद वॉशिंगटन सुंदर वो द यंग गाय कैन ऑल्सो बैट, क्योंकि उसने ओपन भी किया था, बट एंड ऑफ द कैप्टन कोच हैव टू सी द बेस्ट फॉर्म अपना लाइनअप इन द वर्ल्ड कप। आपने 2011 का वर्ल्ड कप खेल खेला था, इंडिया में ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पे टेम्परेचर की बात में सेम था, बट इस टाइम पे कुछ मैचेस साउथ में है जहाँ गर्मी है और फिर सीधा ठंड में लैंड करना है, तो कितनी दिक्कत लग रही है आपको टीम को होगी इस बार? नहीं, आई डोंट थिंक नवंबर में कोई इतनी ठंड होगी, थोड़ा बहुत वेदर चेंज होगा, बट कंडीशंस को मैटर कर सकता है। बॉल शायद गीला हो या लाइटों में शायद बहुत स्विंग हो, सो आई थिंक ऐसी कंडीशंस को काउंटर करने के लिए आई एम श्योर वी हैव द एक्सपीरियंस। मुझे आखिरी सवाल ये, इंडिया पाकिस्तान के अलावा कौन सा क्रूशियल मैच आपको लगता है इंडिया को फेस करना पड़ेगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड अपना? सारे मैचेस क्रूशल हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स तो लेने हैं क्वालिफाई करने सेमीफाइनल में। अगर आप 70-75% ऑफ क्रिकेट अपनी जीतोगे तभी जाके क्वालिफाई करोगे, तो आई थिंक सब बड़ी टीमों के साथ मैच इंपॉर्टेंट है।